काशी नेता ने राजनगर में अभी उपस्थित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में समर्थक यहाँ पे उपस्थित हैं। आज पार्टी ऑफिस का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। ये जनता का आशीर्वाद और प्यार ही है जो हम लोगों को बार बार जनता के बीच ला रहा है उनकी सेवा करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो एजेंट लोग आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जनता ने सीधे उनको नकार दिया है, क्योंकि वो लोग कभी भी आप देखेगा अति पिछड़ा महादलित माइनॉरिटी बस्ती में काम नहीं करते। वो लोग एक ही बात बोलेंगे कि नहीं, इन लोगों ने तो गुलाब यादव को वोट दिया था, यादव ने तो गुलाब यादव को वोट दिया, माइनॉरिटी ने तो गुलाब यादव को वोट दिया। यहाँ पे एक भी वोट नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग आरएसएस विचारधारा के लोग, हम समाजवादी विचारधारा के लोग में वो लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन के असली ओरिजिनल उम्मीदवार गुलाब यादव जी ही हैं। बाकी जो मार्केट में हैं, आपको भी पता है वो पटना में क्या खेला बेला हुआ, किस वजह से वो लोग थर्ड पार्टी का सिंबल लेके मार्केट से आए हैं। ओरिजिनल गठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार गुलाब जी ही हैं। गुलाब जी हमेशा से पार्टी के समर्पित रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं इतने लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, लोगों ने उनका क्रियाकाल काम का देखा है, उनका आज तक एक भी काम अपजस वाला नहीं हुआ है। जो लोग सब अभी चुनाव मैदान में आए हैं, ओवर द नाइट आए हैं, उन्होंने धरातल पर कभी काम नहीं किया, लोगों से कभी जनसंपर्क नहीं किया, और एकाएक वो गठबंधन का सिंबल लेके कहेंगे कि हम आपके नेता हैं। जनता इसको नकार चुकी है, जनता इसको बिल्कुल कबूल नहीं करेगी। रिजल्ट आप देखिएगा, 4 जून को झंझारपुर एक इतिहास लिखेगा, जिसमें यहाँ की जनता मालिक भारी बहुमतों से हाथी छाप को समर्थन कर रही है, वोट कर रही है, और आप देखिएगा रिजल्ट उनके पक्ष में रहेगा। कल तक बीजेपी का सिंबल और बीजेपी के साथ काम करने वाले आज महागठबंधन का उम्मीदवार बन जाता है। खुद गुलाब जी भी उस दौर में थे, लेकिन अचानक से ये सामने आया कि नहीं, गुलाब जी नहीं, महागठबंधन का उम्मीदवार अब नया चेहरा होगा जो किसी से रूपांतरित होकर के आए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने तो घर वापसी करनी ही है, तो घर वापसी 4 जून को कर लेंगे। रिजल्ट जीत हार अपनी जगह है, घर वापसी निश्चित बीजेपी में ही जाएंगे। यहाँ पे एनडीए वर्सेस एनडीए की ही लड़ाई हो रही है। खुद आप जिला परिषद अध्यक्ष हैं, तो आप विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करें, क्या फील कर रही हैं, क्या उम्मीद जता रहे जनता के बीच? देखिए, जनता तरस रहा है कि उनका जो नेता है, उनका जो बहुमूल्य वोट लेके जाते हैं लोग, वो उनके बीच आए, उनकी सुने, उनकी अपेक्षाओं पे जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, स्थानीय सांसद महोदय द्वारा भी या बाकी उम्मीदवार द्वारा भी, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, और ये वजह है कि जनता का इतना लोकप्रिय नेता बन चुके हैं गुलाब जी, कि भारी बहुमतों से अब देखिएगा वो 4 जून के रिजल्ट में वो जीत रहे हैं।